मौर्य जी से जानने चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, जो सत्तासीन पार्टी है वो किस प्रकार से पिछले महानगर पालिका चुनाव जीत कर आने के बाद काम काज की है, और जनता जो है काफ़ी परेशान है, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ की जो गलियाँ हैं, गटर हैं, अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर जनता काफ़ी परेशान है। इस बार आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं प्रभाग क्रमांक 3 में ड से, क्या मुद्दे हैं आपके पार्टी के जो इन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, अगर जीत के आते हैं किस तरह से यहाँ की जो जनता है उसको जो समस्याएं हैं उसकी उसको सुलझाने का प्रयास करें। ऐसा है कि यहाँ पे आज मैं 15 साल से देख रहा हूँ, मैं 15 साल से पार्टी का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था। यहाँ पे 15 साल से जो भी नगर सेवक चुन के आते हैं, एक तो वो सब बाहरी हैं, यहाँ पे आरएमपी पार एसपी रोड पर वो रहते नहीं हैं, और बाहरी है इसलिए यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से उनको वाकिफ़ नहीं है, वाकिफ़ होना नहीं चाहते हैं। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी तकलीफें हैं, यहाँ पर रोड की तकलीफ़ है, झोपड़े की तकलीफ़ है, यहाँ पे दिन रात गायें छियाला चलती हैं, मतलब ये यहाँ तक कि कानूनन रहवासी जगह पे तबेला जो नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे 250 से 300 गायें जो है रहती हैं, जो सुबह शाम जब भी निकलती हैं स्कूल के टाइम में निकलती हैं तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, कितने लोगों तो गायें मार चुकी हैं, हॉस्पिटल तक जा चुकी हैं। और रोड की ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ पर रोड है कि खड्डा मालूम ही नहीं पड़ता है, और हर साल रोड बनता है, हर साल टूटता है गटर। यहाँ पे मैं देखा दो दो तीन तीन साल में गटर को तोड़ के फिर लोग नया गटर बना देते हैं, यानी पूरी निधि का पैसा वो लोग यहाँ पे गटर और रोड में डालते हैं, और कोई सुविधा उन्होंने आज तक 15 साल में दिया नहीं। सत्तासीन पार्टियाँ जो हैं महानगर पालिका में अब तक चुनाव में बैठी थी, उनका दावा है कि हमने काफ़ी विकास किया है और हमें इस बार मौका मिले तो हम आगे विकास करेंगे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कितना विकास हुआ है सर? प्रभाग क्रमांक 3 में आज तक न तो एक गार्डन है, न तो हॉस्पिटल है, न तो एक तो पाठशाला है बच्चों के लिए, क्या विकास किया? जिस प्रभाग में न तो एक गार्डन हो, न तो एक पाठशाला हो, न तो एक हॉस्पिटल हो, इसको विकास करते हैं? गटर में पूरी निधि डाल देना विकास होता है, और क्या किए वो स्थानीय नगर सेवक और सेटिंग नगर सेवक सत्तासीन पार्टियाँ, ये तो बता दो कि हमने ये किया है। अरे पाइप की लाइन महानगर पालिका बिछाती है, वो भी फंड केंद्र से आता है, पानी का लाइन देना और लाइट देना ये महानगर पालिका का जीवन सिद्ध अधिकार है जो लोगों को देते हैं, इसमें नगर सेवक क्या करता है? और दूसरी समस्या जो है यहाँ पे रहवासियों की, यहाँ के अगर ये सेटिंग नगर सेवक 5 साल में अगर 25 लोग के ब्लड पेपर मतलब स्कूल के सर्टिफिकेट पर अगर स्टंप मारा हो ना, खुद का साइन किया हो, तो हम बोलते हो नगर सेवक काम किया, क्योंकि नगर सेवक मिलता नहीं है। आज भी वो सतयुग तौर पर जैसा खड़ाओं से राज चलाना चाहता है, यानी 5,000 का पीए रख के वो जनता के ऊपर राज बनता है, यदि वो नगर सेवक नहीं अपने आप को नगर स्वामी समझता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता को नगर सेवक मिले, नगर स्वामी नहीं, जो शासन करे, यहाँ पे सेवा करने वाला नगर सेवक मिलना चाहिए। इसलिए मैं सेवा करने के लिए लोगों का खड़ा हूँ, लोगों का विकास करने के लिए खड़ा हूँ। आपने एक और बातें कही, बड़ी ज़रूरी बात है ये कि यहाँ पे 200-250 गायें हैं जो सड़कों पे घूमती हैं, बच्चों को तकलीफ़ होती है, बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होती है, कई लोगों को मार चुकी हैं, तो क्या कोई गौशाला की व्यवस्था यहाँ पे कुछ नहीं है उनको व्यवस्थित रहने की? वो गौशाला की गायें नहीं है, वो पर्सनल लोगों की तबेले की गायें हैं, जो रेसिडेंट में लोग तबेला बना चुके हैं, और जिन्होंने लोगों ने तबेला बनाया बोलते नगर सेवक हमारा है, क्यों नगर सेवक उस पर एक्शन नहीं लेता है? ऐसे जो अनलीगल तबेले चल रहे हैं रेसिडेंस जोन में जिससे आम लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या महानगर पालिका जो है और उस नगर सेवक हैं इसके खिलाफ कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं की? कोई भी इसकी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिस प्रकार से वो नहीं किए सर, अगर करते तो गाय यहाँ पे नहीं रहती, लोगों को तकलीफ नहीं होती। आप अगर चुनाव जीत के इस बार आते हैं प्रभाग क्रमांक 3 से, तो अपने माध्यम से क्या क्या सुविधाएं आप जनता को उपलब्ध कराना चाहते हैं, क्या है? मेरा पहला एजेंडा है कि अगर आज तक मैं देखा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में टेम्बा बना, बीएसटी बसें आई, दुनिया भर की नौकरियां महानगर पालिका में निकलती है, पर आज तक हमारे प्रभाग से इन नगर सेवकों ने एक भी युवा बच्चों को सर्विस जॉब नहीं दिया है। मैं पहली प्राथमिकता मेरी कि यहाँ के युवा बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं आज लोग उनको मवालिया गुंडा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलता है, पर यहाँ के एक भी नगर सेवक आज तक एक को भी जॉब पे नहीं लगा, पहले उनको जॉब लगाऊंगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो टपोरी गिरी छेड़खानी और बोलते हैं छिनेती होती है, इसका सेफ्टी नहीं होना,
उसके लिए पुलिस चौकी का मांग करूंगा। और पूरी एरियो को अगर मैं चुन के आया तो मेरा यह प्रॉमिस या दावा है कि पूरी एरियो को सीसीटीवी कैमरे से युक्त कर दूंगा, जिससे क्राइम करने वाला एक दिन भी बच के जा नहीं सके। और वो निधि में गटर उटर नहीं लड़ूंगा, मेरी जितनी भी नगर सेवक की निधि है महानगर पालिका की आएगी, वो सब जीवन हेतु मतलब लोगों के पब्लिक हेतु काम में जाएगी, जिससे उनका फायदा मिले। गटर में डाल के सिर्फ टक्केवारी नहीं कमाऊंगा। मेरे साथ लक्ष्मण मौर्य जी, और हम जानना चाहेंगे आपसे, विनोद तावड़े जी हैं, क्या है समस्याएं जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव बताया जाता है। ये तो मेरा बंदर को काफ़ी विकसित शहर कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समस्याएं हैं जो अपने आप में एकदम समस्याएं बनी हुई हैं पिछले 10-15 सालों से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पिछले 10-15 सालों से नहीं है, ये पिछले 25 सालों से हमारे लोक नेता जो मीरा बांदे क्षेत्र के सम्माननीय मुजफ्फर हुसैन साहब जी है, उनका एक ही नारा है कि 25 साल बेमिसाल और 28 साल बेहाल। मैं आपके माध्यम से एक ही कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं कि हमने 35 ml पानी लाया, 75 ml पानी लाया, मैं कहना चाहता हूँ ये 35 ml पानी का लाने का काम यहाँ के मुजफ्फर हुसैन साहब ने किया है। दोस्तों, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब 35 ml पानी लाया, तब हमारे जो कांग्रेस के मंत्री थे सम्माननीय नारायण राणे साहब, उनके माध्यम से पहला मीरा भाईंदर क्षेत्र में 35 ml पानी लाया, फिर अशोक चव्हाण साहब मुख्यमंत्री थे तब 35 ml पानी लाया। ये सब जो भारतीय जनता पार्टी वाले और शिवसेना वाले ये सभी को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पानी लाने का काम जो पहला किया है ये मुजफ्फर हुसैन साहब ने किया है। साफ तौर पे कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेसी प्रत्याशियों का यहाँ पे आरोप है कि कांग्रेस ही शहर का विकास किया, और अब तक जो सत्तासीन पार्टियाँ यहाँ पे पिछली सरकार की थी वो सिर्फ दावा कर रही हैं, सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। आने वाले दिनों में अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो इन्होंने कई प्रकार के विकास करने की बात कही है। कैमरामैन बंटी के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, भाई।